जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जिसमें ये कहा गया कि अब बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिर्फ बिहार के ही छात्र नहीं भरेंगे, उसमें फॉर्म शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि अदर स्टेट वाले छात्र भी पूरी तरह से शामिल हो पाएंगे। इसमें जनरल कैटेगरी में आकर फॉर्म भरेंगे और सभी को सामान्य मान्यताएं होगी। तो कहीं ना कहीं बाहर के स्टेट के छात्रों के आने से बिहार के स्टेट के छात्रों के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, इसका क्या खासा प्रभाव पड़ने वाला है बिहार के छात्रों के ऊपर, ये बहुत सारे छात्रों के मन में दुविधा चल रही है और बहुत सारे छात्रों में आक्रोश भी है। बहुत सारी सवाल जो छात्रों के मन में चल रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी हम प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर श्री नवीन सर के पास आए हैं। तो चलिए सर से बातें करते हैं, उन सभी सवाल का जवाब जानते हैं। सर, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। धन्यवाद आपका। सर, जो नोटिस आई आज बीपीएससी की, जो ऑफिशियल नोटिस आई है, क्या लगता है सर, कहाँ तक प्रभावी साबित हो सकता है बिहार के छात्रों के लिए? बहुत ज्यादा दिक्कत है, छात्र बहुत परेशान है। अभी क्लास भी अपने यहाँ चल रहा है लेकिन छात्र बहुत मायूस हैं इस बात को लेकर के, और कहीं ना कहीं लगता है कि छात्रों के साथ धोखा हुआ है। धोखा इस मामले में हुआ है कि शुरू में ही जो सब्जवाग दिखाया गया छात्रों को कि स्पेशली बिहार के ही छात्र भर सकते हैं, शुरू से ही कुछ गलत था इसमें। गलत ये था कि जैसे रूल क्या है कि जो जनजातीय स्टेट हैं या फिर भाषाई आधार पर जिस स्टेट को अलग किया गया है वहीं पर ये रूल है कि वो अपने हिसाब से रेसिडेंशियल पॉलिसी को लागू करते हैं, क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश में भी यही चीज़ हुई थी, बाद में कोर्ट के डिसीजन के बाद से वो चीज़ हटा दिया गया था और बिहार सरकार को भी ये बात अच्छी तरीके से पता था। तो कोर्ट अगर इस तरह का करती तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं था, लेकिन ये स्पेशल कैबिनेट में पास करा करके आज ये नोटिस डाला गया। तो कहीं विद्यार्थी को लगता है कि उसका सपना चकनाचूर हुआ है, बहुत ज़्यादा अनिजी फील कर रहे हैं, और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को साफ दोषी स्टूडेंट मान रहे हैं। अभी आप कई सारे विद्यार्थी का आप कमेंट देखे होंगे, लगातार विद्यार्थी जो बातचीत कर रहे हैं उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना अपना देख रहे हैं, और साथ में तेजस्वी प्रसाद जी जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उसी के परिपेक्ष में ये डिसीजन लिया गया है। जी सर, बिल्कुल। अभी 90% छात्रों का ये कहना है कि बस इसी को लेकर ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, यही कथन छात्रों का है और छात्रों का ही कथन हम आपको दोहरा रहे हैं। अब देखिए इससे क्या होना है, एक तो ऐसे ही 45 दिन से 50 दिन का समय था, 14 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी थी और इतने बड़े सिलेबस में बच्चे परेशान थे। फिर सीटेट वाले को अलाउ किया गया, तो सीटेट वाले को अलाउ किया गया तो वो तो क्षम्य था, बिहार के बच्चे थे, लगातार मांग कर रहे थे इस बात को, लेकिन कंपटीशन बढ़ा, वहाँ 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट बढ़े थे। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान वाले हैं, तो जितने हिंदी भाषी प्रदेश हैं, अलग स्टेट है, तो 79,900 यानी 80,000 वैकेंसी है। वैसे ही 50% वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व था, 40,000 सीट में भी कुछ सीट रिजर्व था, बाकी सीट पर जो स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। अब अदर स्टेट के बच्चे जो फॉर्म भरेंगे वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे, अब आप देखिए कि कितनी सीटें रह जाएगी इन बच्चों के लिए। तो इनको लगता है कि इन पर पूरी तरीके से हमारा अधिकार होना चाहिए था, तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है कि तत्काल बच्चे भारी सदमे में है। अभी तो आप बच्चे का इंटरव्यू लीजिएगा तो वो अपनी बातों को जाहिर करेंगे, कितने आक्रोश में हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, अपनी बातों को प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से रखने का सबको अधिकार है, क्योंकि उनके साथ शुरू में ही ये बात क्लियर कर दी जाती तो बच्चे माइंड मेकअप रखते, और ऐसी परिस्थिति में आके बीच मझधार में ला करके जब आप बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तब इस तरह का आप न्यूज देते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत है। सर, कहीं ना कहीं अगर दूसरे स्टेट वाले छात्र आएंगे तो कंपटीशन भी बढ़ेगा सर, और एक और दूसरी बात कही गई है कि आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, तो सर इससे तो खासा प्रभाव पड़ सकता है उन छात्रों के ऊपर जो सर कंपटीशन बढ़ने के कारण इसमें और भी ज़्यादा प्रभावित होंगे। अटेम्प्ट वाली बातों पर तो हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिस तरीके से गवर्नमेंट वैकेंसी देती है, आप पिछला बिहार सरकार का इतिहास देखेंगे पता चलेगा कि 3 अटेम्प्ट में उसको 12 साल का समय लगा, इसलिए स्टूडेंट को तो किसी भी परिस्थिति में अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगला 3 अटेम्प्ट आपका भी 12 साल में जाके पूरा होगा। जिस तरह की अभी सरकार है और इनकी जो मंशा लग रही है, ये बहाली करना चाहती है कि नहीं, अब उसी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। 14-15 केस हो चुका है कोर्ट में, बारी बारी से डिसीजन आ रहा है, अगला डिसीजन क्या आएगा इसको भी कोई नहीं देखा है, तो मामला बहुत उलझा हुआ है।
सर क्या क्या सलाह देना चाहेंगे आप छात्रों को कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो रही है अब सर छात्र बहुत सारे छात्र सर डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत सारे छात्र मतलब ऐसा कह रहे हैं कि अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने को, बहुत सारे छात्र ऐसा उसका लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गई है। एक तो सर पहले भी लग रहा था कि कट ऑफ पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब और भी ज़्यादा उनके लिए परेशान, सर उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि अंत समय में भी आप धैर्य बनाए रखें। देखिए यूथ में बहुत पावर है, बशर्ते कि ये सही तरीके से अपनी पावर का यूज करे, और जनरली ऐसा होता नहीं है। जब भी ट्विटर कैंपेन की बात आती है, फिजिकल प्रोटेस्ट की बात आती है, कुछ छात्र ही वहाँ पर पहुँचते हैं, कुछ छात्र ही पार्टिसिपेट करते हैं। यूट्यूब पर भाषण देना आसान है, कमेंट करना आसान है, तो मेरा कहना है कि परिस्थिति जन्य जैसा भी माहौल क्रिएट होता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, और पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम लड़ाई में लग जाएं, सरकार भी अडिग रहे, एग्जाम समय पर ले ले, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो मेरा कहना है कि परिस्थिति को भांपते हुए जम करके पढ़ाई कीजिए, जितना ही दिन समय बचा हुआ है दिन रात एक करके पढ़ाई कीजिए, दूसरा आपके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है। बिहार में आप रहते हैं, बिहार में कितने उद्योग धंधे हैं, खुद इस बात को आप आगे लाए। तो इन सारी और जितने भी तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, अभी तो बैच ही अपना चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कितना कठिनाई से 2 महीने का अपना खर्च कलेक्ट करके यहाँ पर आए हुए हैं। अब उन छात्रों को लग रहा है कि अब करें तो हम क्या करें, न आगे बढ़ते बन रहा है न पीछे हटते बन रहा है। तो मेरा कहना है कि आपके हाथ में जो चीज़ है एकदम जम के मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, और जितनी सीटें हैं उसी में अपना स्थान बनाने का प्रयास कीजिए, आगे जो भी होगा देखा जाएगा, समय के अनुकूल चलने का प्रयास कीजिए। सर अगर छात्र हक अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो आप साथ देंगे? हम तो हमेशा साथ में रहे हैं, चाहे जिस अभी आप देखिए कि सीटेट वाला ही मामला था, चूँकि बिहार के संदर्भ में बिहार के बच्चे उसमें थे, 100% हम आ गए, फिर आगे आए, फिर रेलवे वाला मामला था उसमें भी हम भाग लिए, आज आए थे 2022-24 के जो बच्चे थे जिन बीएड वाले वो भी आए थे, तो हम बोले कि अब इसमें चूंकि स्टूडेंट इसलिए पहुंचते हैं कि उनको विश्वास होता है कि नहीं छात्रों की तरफ से हम सर की तरफ से हमको साथ मिलेगा, इस आशा में आते हैं, तो निश्चित रूप से हमसे जहां तक बन पाएगा हर परिस्थिति में हम छात्रों के साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी राय रखी और इतना महत्वपूर्ण समय दिया। धन्यवाद।